हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग एंड अनदर डे। तो आज का व्लॉग होने वाला है काफ़ी मज़ेदार, क्योंकि मैं जा रही हूँ बैंगलोर बिगेस्ट एग्जीबिशंस विच इज़ ऑर्गेनाइज बाई सहर अफशा, जिसके चीफ गेस्ट हैं सना खान एंड मुफ्ती अनस एंड द स्पेशल गेस्ट आर दानिश दावर एंड हिज वाइफ। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने ऑनलाइन टिकट्स बुक कर लिए, तो यहाँ पे सिर्फ मैं कलेक्ट करने आई हूँ, इसलिए मेरा टाइम भी बच गया और मुझे क्यू में नहीं खड़ना पड़ा। तो अब आई एम सुपर ड्यूपर एक्साइटेड टू मीट देम। तो चलो अंदर चलते हैं। एंड हियर आई एम टेकिंग सम पिक्चर्स। And this event is happening in Jaya Mahal Palace. So as soon as I enter, I got a chance to click selfie with Sahar Apsha. तो माशाल्लाह से शी इज़ वेरी प्रिटी एंड ऑल्सो वेरी स्वीट। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके। And the show has been started. Of the most cherished, the most loved personality, Sana Khan. आप सबकी चहेती, आप सब लोग सना बाजी के नाम से भी उनको बुलाते हैं। आप सब लोग इस मोमेंट का इंतजार कर रहे थे। एंड फाइनली दैट मोमेंट हैज अराइव्ड। आर यू ऑल एक्साइटेड टू सी द वन एंड ओनली सना खान? बैंगलोर, कम ऑन, गिव सम लव। आर यू ऑल एक्साइटेड? माशाल्लाह माशाल्लाह सना, सब लोग आपको यहाँ पे देखने का इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह, टू सी यू लाइव राइट हियर इज सच अ सच अ बिग इंस्पिरेशन टू मी। थैंक यू सो मच सना बाजी फॉर कमिंग टू मजलिस। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। कहते हैं ना, शैतान की शाम को मजलिस जमती है एवरी डे। अभी रमजान में तो बेचारा बंद है चिट्टू पिंटुओं के साथ, उसके बाद अदरवाइज उसकी शाम को मजलिस जमती है। और फिर वो कहता है बताओ तुमने क्या किया, तो एक शैतान कहेगा अरे मैंने इसको इससे यू नो जिना करवाया, सतफिरुल्ला, मैंने इससे दारू पिलवाया, मैंने इसको गैम्बलिंग करवाया, मैंने इससे ये करवाया वो करवाया। तो कहेगा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सबसे छोटा सा शैतान खड़ा होगा हमारे पास, छोटा इंटर्न, वो बोलेगा तुमने क्या किया, वो कहेगा मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवाया। तो कहेगा तू आगे आ जा, हाँ मेरी गोद में बैठ, असल काम तो तूने किया है, समझ रहे हो? क्योंकि जो भी दूसरा गुना होता है ना, वो आपकी जात का गुना होता है। इंसान ने अगर मुझे तो बोलने में दीन में औरत की क्या इज्जत है, हाँ ये तो अगर मैं बातें करूँ तो रमजान खत्म हो जाएगा यहाँ पे, चादरात हो जाएगी, पता चला ईद है कल। दीन में एक्चुअली देखा जाएगा, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो असल में जो रुतबा एक औरत को दिया गया है, जो इज्जत दी गई है, चाहे वो सोसाइटी में हो चाहे वो घर में हो, हर चीज में, वो आधा महीना निकल चुका है ना। और हम अभी सोच भी रहे हैं कि आधा महीना निकल के अभी तक मेरी इबादत लेवल पे नहीं है। तो ये अल्लाह का ना, ये मगफिरत का महीना है। अल्लाह इसमें आपको माफ करने के लिए अल्लाह खुद राजी है। अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। प्लीज वेलकम कीजिए मुफ्ती अनस और आरिफ शेख। लेट्स गिव एन आप अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। दोनों यहाँ पर स्टेज पे आ रहे हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स हियर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ द जेंटलमैन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू टू प्लीज कम राइट हियर। इस बहुत ही खास मौके पे मैं आप दोनों से गुजारिश करती हूँ कि आप दो अल्फाज प्लीज कहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। पहले तो आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक और एडवांस में ईद भी मुबारक। माशाल्लाह बहुत से भाई बहन आए हुए हैं, अल्लाह ताला मुबारक करें। ये कोशिश हमारी बहन ने, बहुत लाडली बहन है मेरी और सना की, और भाई आरिस ने बहुत थोड़े से वक्त में की, अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे। असल में आप लोगों का यहाँ आना दो बातें हैं। नंबर एक, एक ऐसी बंदी जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अच्छे घराने से की, लेकिन इंसान होता है माहौल का असर लेता है, तो उस माहौल के अंदर आके भटकता रहा है, भूल जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि भुला हुआ रास्ता शाम घर वापस आ जाता है, उसे भुला हुआ नहीं कहते हैं। तो एक शाम वो वापस आ गई, तो इसका साथ देना भी एक इबादत है, एक सवाब है कि इनकी हौसला अफजाई कर। इस सारे साल बंदा गुनाह करता है,
और उस गुनाह के अंदर अपने आप को लगाता है। तो अल्लाह रमजान के अंदर रोजे के साथ एक भट्टी लगा बनाता है ना। ऐसी बहनों के साथ, ऐसी बच्चियों के साथ निकाह करना हर एक के बस की, अल्लाह कबूल करता है, इन्हें अल्लाह ने कबूल किया है। मैं मेरे बाद इस मुल्क के अंदर किसी को गिनती और मैं यानी नसीब वाला समझता हूँ तो ये इन्हें समझता हूँ कि ऐसी एक बंदी को जिंदगी के अंदर अपना नाम दे। हर आदमी है ना, किसी को माल से साथ देता है, काम से साथ देता है, जिंदगी का नाम देना बहुत बड़ी बात होती है कि अपनी इज्जत किसी को दे अपने घर। और आरस के लिए उसे जोड़ों को देने के लिए बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इफ्तार का टाइम हो गया था तो मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला तब, बट लेटर आई वेंट एंड मेट हर पर्सनली। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी प्रिटी एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी। उनको देख के ऐसा लगा, देखते रहो सुनते रहो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट चांस टू टेक सम पिक्चर्स एंड सेंड इट टू हर। वो आ रही है, हेलो फिश, अस्सलाम वालेकुम, सबस भाई, वालेकुम अस्सलाम, बाजी आते रहना, मैं आपका इंतजार पे। सब लोग इफ्तार कर रहे हैं क्योंकि इफ्तार का टाइम हो गया था, तो मैं भी अपना इफ्तार करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ थी एंड क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, तो कुछ समझ नहीं आता क्या लें और क्या खाए, तो मुझे जो समझ में आया मैंने वो खा लिया। आप देख सकते हो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो सामने मिल रहा है वही ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग और टाइम इधर उधर रोम करके। तो मैंने कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि दानिश दावर का परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला था, तो आई डोंट वांटेड टू मिस। एंड इधर मैं मेन्यू देख रही हूँ एंड आई एम डिसाइडिंग वॉट टू टेक, एंड एट लास्ट आई टुक चिकन नगेट्स एंड नूडल्स, ऑल्सो फ्राइड एंड स्टीम मोमोज। इधर छोटे बच्चों के लिए गेम्स भी सेटअप किए थे, तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, काफ़ी अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ था। एंड वी आर डन विद इफ्तारी, तो फूड एंड गेम्स तो हो गया, बचा था शॉपिंग जो कि मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट होता है मेरे लिए, क्योंकि शॉपिंग किसे पसंद नहीं है। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं इनका कलेक्शन। सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया था एंड मुझे कलेक्शन कुछ भी इतना खास नहीं लगा, तो इसलिए मैं अब वापस जा रही हूँ। एंड मुझे ये दो ड्रेसेस अच्छे लगे थे बट इसके प्राइसेस थोड़ी हाई लगी थी, इसलिए मैंने इसे परचेज नहीं किया। और वैसे भी दानिश दावर आने वाले थे तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड ही इज़ हियर। ये मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस है, मोस्ट अवेटेड नाथ है, हम इसे इतना पसंद करते हैं, तो वैसे ही खूबसूरत सा माहौल भी बनना चाहिए। तो चलिए एवरीबॉडी वन लास्ट टाइम, आर यू रेडी? ओके, एक्चुअली है ना हम आपके एनर्जी लेवल्स का देख रहे हैं, आप दोनों बार बहुत ही खूबसूरत तरीके से पास हुए हैं। For one last time, I promise this is for the last time. Energy को double कीजिए, triple कीजिए with your best energy. Give me this. Yes. Are you ready? Yeah!
इंशाल्लाह उसके बाद ओवर टू यू दाना। फास्टर 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 टॉर्च ऑन करके स्विंग कीजिए, स्विंग ऑन द राइट, स्विंग ऑन द लेफ्ट। अल्लाह 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 नूर जहां में फैल गया, इलाहा इल्लल्लाह। तेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आप जो आए दुनिया में कुफर की जुल्मत दूर हुई, नूर जहां में फैल गया, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसमें सब मेरा साथ दे। जो अल्लाह से ये कहेगी या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, हस्बी रब्बी जल्लल्ला, माफी कल्बी गैरुल्ला, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई एम फीलिंग लकी। यहाँ पे किसे पता, इंशाल्लाह आपका नाम आ जाए। बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए हैं। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अपना हाथ ऊपर कर ले। वाह, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। जिस किसी का नाम आएगा, देयर ऑफ कोर्स विनिंग दैट लकी बम्पर प्राइज फ्रॉम सुल्तान डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलर्स। चलिए, दानिश इज एक्चुअली मिक्सिंग एवरीथिंग, फाइनली मिक्सिंग मिक्सिंग। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, थाम के बैठिए, हमारे लकी विनर का नेम है सैयदा सना। उनका मैं एक सेकंड, सनाबाजी तो नहीं, सनाबाजी का नाम भी सैयदा सना है, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं। मैं ये लकी ड्रॉ का कूपन नंबर अनाउंस करती हूँ, 5373 5373, और इनका सेल फोन नंबर एंड होता है माशाल्लाह 786 के साथ। No jumping on the stage, please respect the privacy, we would request, please. So it was like a dream come true meeting both of them on same day. And मुझे इन लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, they are very sweet and बहुत अच्छे हैं। And here I have come to meet him and he's so down to earth, एक बार भी उन्होंने मना नहीं किया। And I clicked some pictures, we got some gifts because हमने किसी concept में participate किया था। And मुझे मिला था foot cream which is halal, and मेरी friend को मिला था aloe vera gel। एंड इसके बाद वी हैड आर डिनर विच आई डिड नॉट शूट, इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं वीडियो लेना भूल गई। एंड देन हम खा के निकल गए क्योंकि ऑलरेडी हमें बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इट वॉज 11 o'clock। तो आई होप यू लाइक माई व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग।